नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैवरिक ऑटोमेशन में स्वागत है। लास्ट वीडियोस में हमने चेक किया था कि किस तरीके से हम प्रोग्राम कंट्रोल में जंप एंड लेबल का इस्तेमाल कर सकते हैं। कहीं पे भी अगर हमें प्रोग्रामिंग के अंदर कुछ लाइंस को या रंस को स्किप अगर करना है एग्जीक्यूशन के दौरान, देन हम वहाँ पर जंप एंड लेबल का इस्तेमाल कर सकते हैं। या ये कहें हम कि अगर हमें PLC का जो स्कैन टाइमिंग है या स्कैन साइकिल है उसको एग्जीक्यूट होने से बचाना है, एक पर्टिकुलर एरिए के अंदर वो एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए, अपडेट नहीं करना चाहिए आउटपुट के स्टेटस को, देन हम वहाँ पे जंप एंड लेबल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे सबरूटीन प्रोग्राम्स की, जिसके अंदर हम JSR फंक्शन, SBR फंक्शन एंड RET फंक्शन के बारे में बात करेंगे। तो ये जो सबरूटीन फंक्शंस होते हैं या वो तब हम इस्तेमाल कर सकते हैं जब हमारे पास कोई एक बड़ा प्रोग्राम है और उस प्रोग्राम को हम एक पर्टिकुलर लैडर में ना लिख के हम उसको पार्ट बाय पार्ट या स्मॉल प्रोग्राम्स अगर हम बनाना चाहते हैं उसी उसी बड़े प्रोग्राम का छोटे छोटे पार्ट्स में अगर हम उसको डिवाइड करना चाहते हैं, देन हम वहां पे इन सबरूटीन प्रोग्राम्स का या सबरूटीन इंस्ट्रक्शंस का हम यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट है इसके अंदर JSR, इसका फुल फॉर्म है जंप टू सबरूटीन। दैट मींस जो मेन लैडर है, जो मेन प्रोग्राम होगा उसके अंदर हमें इसको यूज करना होगा। इसके थ्रू हम जो हमने सबरूटीन्स बनाए हैं उसको हम कॉल करा सकते हैं, या ये कहें हम कि जो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन है उसको हम शिफ्ट कर सकते हैं अपने सबरूटीन की तरफ। नेक्स्ट है SBR। SBR जो इंस्ट्रक्शन होगा वो सबरूटीन का फर्स्ट रंग का इंस्ट्रक्शन होगा, जिससे ये जो प्रोग्रामर है उसको ये आइडेंटिफाई हो सके कि जो सबरूटीन है वो हमारा इस लाइन से स्टार्ट है और ये प्रोसेसर के लिए नहीं होता। ये सिर्फ जो प्रोग्रामर है, जो प्रोग्राम बना रहा है उसके लिए एक आइडेंटिफिकेशन के लिए लेबल की तरह एक्ट करेगा जहां से हमारा सबरूटीन एक्चुअली में प्रोसेस होना है। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आता है इसके अंदर RET इंस्ट्रक्शन, जो कि एक तरीके का आइडेंटिफायर होगा कि अब जो हमारा जो सबरूटीन है वो यहाँ पे फिनिश होता है और वो जाके मेन प्रोग्राम पे बताएगा जो जो JSR है उसके नीचे जो भी हमने अगर इंस्ट्रक्शन लिखी है तो उसको एग्जीक्यूट करना वो स्टार्ट करेगा। और ये जो प्रोग्राम्स होते हैं सबरूटीन प्रोग्राम्स, तो इसको हम एक तरीके से माइक्रो प्रोग्राम भी कह सकते हैं, या फिर ये एक तरीके के ऐसे प्रोग्राम्स होंगे हमें मशीन के अंदर रेगुलर बेसिस पे तो नहीं चाहिए, लेकिन जब एक पर्टिकुलर कंडीशन अगर हम मशीन ट्रिगर करती है देन ही ये प्रोग्राम चलने चाहिए, देन हम वहां पे सबरूटीन प्रोग्राम्स को इस्तेमाल कर सकते हैं अपने लैडर लॉजिक के अंदर। तो सबसे फर्स्ट हम एक प्रोग्राम डिफाइन करते हैं। लेट सपोज कि यहाँ पे हमारे पास ये रंग्स है, लैडर 2, लैडर 3, लैडर 4, लैडर 5, इस तरीके की ये पेज नंबर्स बोल सकते हैं इनको। तो बाय डिफॉल्ट एलन ब्रैडली में लैडर नंबर 2 एक्टिव रहता है नॉर्मल प्रोग्रामिंग के लिए। अगर हमें बाकी लैडर्स को एक्टिव करना है, अगर उनके ऊपर प्रोग्राम बना के एग्जीक्यूट करवाना है, देन हमें सबरूटीन्स की हेल्प लेनी होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेन लैडर होगा उस पे हम JSR फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। डायरेक्टली हम या तो इनपुट के थ्रू कर सकते हैं या डायरेक्टली हम JSR को इस्तेमाल कर सकते हैं विदाउट इनपुट, डायरेक्टली भी कर सकते हैं या फिर हम एक इनपुट के थ्रू इसको ट्रिगर भी कर सकते हैं कि जब वो कंडीशन अवेलेबल होगी देन ही वो सबरूटीन ऑपरेट होगा। अब सबरूटीन के लिए जो JSR फंक्शन है उसके अंदर हमें जो एड्रेसिंग करनी है, यहाँ पे हम वो एड्रेसिंग करेंगे। दैट मींस कि किस लैडर पे हमें प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन को शिफ्ट करना है, किस पेज पे हमें इसको शिफ्ट करना है, वो एड्रेसिंग हम यहां करेंगे। एड्रेसिंग जो सिंटैक्स है इसका है फाइल नेम कॉलन लैडर नंबर। फाइल नेम यहां पे यू है, कॉलन
लैडर नंबर मीन्स पेज नंबर, जिस भी पेज पे हमें सब रूटीन स्टार्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल लैडर नंबर 6 पे हमें कोई सब रूटीन लिखना है, तो हम यहाँ पे लैडर नंबर 6 की एड्रेसिंग करेंगे। तो जब जब हमारा इनपुट नंबर 0 ऑपरेट होगा, तब तब लैडर नंबर 6 का जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट करना स्टार्ट होगा। तो सब रूटीन बनाने के लिए हम लैडर नंबर 6 पे जाएंगे। यहाँ पे जो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन होगा एज एन आइडेंटिफायर, एज अ लेबल, हम यहाँ पे सब रूटीन जो SBR है उसका इस्तेमाल करेंगे। इस पे कोई एड्रेसिंग नहीं होगी, ये सिर्फ प्रोग्रामर के लिए एज एन आइडेंटिफायर का काम करेगा। इसके थ्रू हम एक आउटपुट जनरेट करेंगे जो कि एक बाइनरी या इमेजिनरी बिट होगी, क्योंकि जब जब हमारा सब रूटीन प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा तब तब ये बाइनरी या ये जो आउटपुट है वो एक्टिव रहता है। तो मेन आउटपुट हम यूज ना करके मेमोरी बिट का इस्तेमाल करते हैं, और फिर हम अपना जो भी सब रूटीन प्रोग्राम है उसको डिफाइन करते हैं। लेट सपोज हमारे पास एक इनपुट है, इसके थ्रू एक टाइमर चलना चाहिए। दस सेकंड के लिए, और इसकी TT बिट से आउटपुट मिलना चाहिए। जब हमने प्रोग्राम बना लिया तो लास्ट लाइन जो सब रूटीन की होगी, लूप को क्लोज करने के लिए, ये बताने के लिए कि जो ये सब रूटीन प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट हो चुका है, तो उसके लिए हम यहाँ पे एक आइडेंटिफिकेशन के तौर पर रिटर्न फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, जो कि हमारे मेन प्रोग्राम में जाके JSR को ये बताएगा कि ये जो सब रूटीन है वो एक बार एग्जीक्यूट हो चुका है। देन ही JSR के जो नीचे वाले फंक्शंस होंगे वो एग्जीक्यूशन पे आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो एक बार डाउनलोड करके वेरीफाई करते हैं। जैसे कि अभी हमारे पास जो मेन प्रोग्राम है वो यहाँ पे है। जब तक हम इनपुट को ट्रिगर नहीं करेंगे, इनपुट नंबर 0 को, जब तक वो जंप नहीं करेगा, जब तक वो जंप नहीं हुआ तो लैडर नंबर 6 का प्रोग्राम भी एग्जीक्यूशन पॉइंट पे नहीं आएगा। लेट सपोज कि हमारा जंप ऑन नहीं है, JSR ऑन नहीं है, हम इनपुट 2 को एक्टिव करते हैं, तो इस कंडीशन पे PLC लैडर नंबर 6 को एग्जीक्यूट नहीं करेगी, और यहाँ पे जो भी हमारा प्रोग्राम है वो स्कैनिंग में नहीं आएगा और अपडेट नहीं हो पाएगा, एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा। तो अगर हमें किसी भी सब रूटीन को एग्जीक्यूट अगर कराना है, देन हमें वहां पे JSR को एक्टिव करना होगा। जैसे ही JSR एक्टिव होगा तो सब रूटीन जो है हमारा, जैसे u:6 दैट इज फाइल नंबर 6 और लैडर नंबर 6 हमारा एक्टिव हो जाएगा, जिसका मार्क हमने चेक किया विद बाइनरी। जैसे सब रूटीन एक्टिव होगा तो ये बाइनरी फाइल हमारा एक्टिव हो जाएगा बिट, देन ही हम यहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, देन ही यहाँ का जो सब रूटीन का प्रोग्राम है वो चल सकता है। अगर इस दौरान मान लेते हैं कि हमारा सब रूटीन ऑफ है, मेन लैडर प्रोग्राम से हम जंप नहीं करा रहे सब रूटीन पे, लैडर 6 को ऑपरेट करते हैं, तो वो ऑपरेट नहीं होगा। दैट मीन्स कि बाय डिफॉल्ट लैडर 2 ही एक्टिव है, लैडर 3 के बाद जितने भी हम लैडर्स पर प्रोग्रामिंग करेंगे वो डीएक्टिव पोजीशन पे रहते हैं। उनको एक्टिव करने के लिए हमें मेन प्रोग्राम पे JSR फंक्शन का इस्तेमाल करना होगा। जब JSR एक्टिव होगा देन ही बाकी जो भी हमने कॉलिंग की गई है सब रूटीन के थ्रू, JSR के थ्रू, वो एक्टिव हो पाएगा। और अगर हमारा यहाँ पे JSR फॉर एग्जाम्पल ऑन है, सब रूटीन प्रोग्राम हमारा रनिंग कंडीशन पे है, अगर अब मेन प्रोग्राम से JSR का जो इनपुट है वो ऑफ हो जाता है, तो जो सब रूटीन है उसका एग्जीक्यूशन बंद हो जाएगा और जो स्टेटस है हमारा प्रोग्राम का वो एज इट इज होल्ड हो जाएगा। हम अगर इनपुट बंद भी कर देते हैं तो PLC उसे अपडेट नहीं करेगी, दैट मीन्स उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगी PLC।
और नॉर्मल प्रोसेस में वो लैडर नंबर 2 पे जो भी प्रोग्रामिंग है उसे एग्जीक्यूट करती रहेगी, लेकिन लैडर नंबर 6 पे जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा। वो तभी एग्जीक्यूट होगा जब हमारा JSR उसे कॉल करेगा, तभी वो प्रोसेस ऑपरेट हो पाएगा। तो JSR, SBR और RET का फंक्शन मेन ये है कि अगर हमें एक पेज से दूसरे पेज पे प्रोग्राम एग्जीक्यूशन को शिफ्ट करना है, देन हमें वहां पे JSR, SBR एंड RET फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। या फिर ये कह सकते हैं हम कि अगर हमारे पास बहुत लेंथी प्रोग्राम है और उसको हम स्टेप बाय स्टेप डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, देन वहां पे हम सबरूटीन प्रोग्राम अपना लिख सकते हैं और जब JSR चाहे उन ऑपरेशंस को वो परफॉर्म कर सकता है। थैंक यू।